नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोयला सप्लाई सुचारू करने के लिए रेलवे का बड़ा निर्णय, रद्द की 670 ट्रेन। भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग काफी बढ़ गई है और इसी के साथ थर्मल पावर प्लांट्स पर लोड बढ़ने से कोयले की खपत में भी बढ़ोतरी हुई है। कोयले की बढ़ी हुई जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे को कुछ हफ्तों से रोजाना 16 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। कोयला ले जा रही मालगाड़ियों को ट्रैक देने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार आगामी 24 मई तक 670 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें 500 से अधिक ट्रेनें लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। इसी के साथ रेलवे ने कोयला लदी मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर रोजाना 400 से ज्यादा कर दिया है, जिससे कोयले की आपूर्ति सुचारू रखी जा सके। अप्रैल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, फिलहाल 4 दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं। देश में अप्रैल माह में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। कई जगहों पर पारा 46 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में भीषण लू की भविष्यवाणी की है। देश में अप्रैल का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना बनने की ओर है। पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में 2 मई तक भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 4-5 दिनों तक लू बेहाल करती नजर आएगी। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में एक्सट्रीम हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा केस, 60 मरीजों की मौत। देश दुनिया में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा एक दिन में 1.5 गुना बढ़ गया। कोरोना से एक दिन में 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 3377 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 17,801 हो गई। वहीं एक दिन में 2,496 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। दूसरी ओर दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयासिस ने फिर चेताया है कि कोरोना की अनदेखी करना घातक होगा। यूक्रेन मसले पर भारत को अपने पाले में लाने की हर कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्वाड में भी उठाएगा मुद्दा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने जापान में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। इस सम्मेलन में भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका एजेंडे में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी रखने की तैयारी में है। क्वाड देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही अमेरिका के साथ हैं, जबकि भारत नहीं चाहता कि क्वाड में यूक्रेन युद्ध का मसला उठे। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि क्वाड सम्मेलन बाइडेन हैरिस प्रशासन की स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र की मजबूत प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वीकारी सच्चाई, कहा रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में रहे विफल। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर भी सवाल खड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद वह काम नहीं कर पाई जिसके लिए उसका गठन हुआ था। गुटेरेस ने स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने और समाप्त करने में विफल रही। यूएन महासचिव ने भी यह कहा कि यह बड़ी निराशा, हताशा और क्रोध का कारण है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दौरे के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई स्थानों पर मिसाइलें दागी थी। फिनलैंड और स्वीडन बन सकते हैं नाटो के सदस्य, रूस के साथ बढ़ेगा तनाव। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिनलैंड और स्वीडन अगले महीने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उन्हें खुले हाथों से गले लगाया जाएगा। नाटो महासचिव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी और हम फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों के लिए काम करेंगे। नाटो की सामूहिक सुरक्षा गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य देशों को सहयोगी की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। वहीं फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो में शामिल होने का निर्णय करते हैं तो रूस के साथ उनका टकराव बढ़ सकता है। एडवांस बुकिंग में अजय देवगन की रनवे 34 से तेज दौड़ी टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2, दोनों स्टार्स में रहा रोचक मुकाबला।
बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन एडवांस बुकिंग के मामले में टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती अजय देवगन की रनवे से तेज दौड़ती नजर आई। मुंबई में टाइगर श्रॉफ ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में अजय देवगन से बाजी मार ली। हीरोपंती 2 के हाउसफुल ऑक्यूपेंसी के साथ लगभग 25% शो पहले ही फुल हो गए और कुछ मल्टीप्लेक्स में फास्ट मोड में सभी शो भर गए, जबकि रनवे 34 की गति फास्ट मोड में एक या दो शो के साथ धीमी रही। बेंगलुरु में KGF चैप्टर 2 का दबदबा होने के बावजूद हीरोपंती 2 को पहले दिन की एडवांस बुकिंग में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।